लुधियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। जिला पुलिस की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक से मिले एवं उनका माल्यार्पण कर सम्मान भी किया। साथ ही बताया कि जिस तरीके से गुना पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गुना पुलिस कार्य कर रही है बहुत बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय है, और जिस प्रकार से सेक्स रैकेट का खुलासा कैंट पुलिस द्वारा किया गया वह भी काफी सराहनीय है एवं पुलिस की इसी कार्यप्रणाली को लेकर समाज में हर्ष की लहर है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ साथ दुर्गा वाणी के पदाधिकारी भी उपस्थित रही। बताइए आज इस सबका सम्मान किया किस चीज़ को? गुना में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे गुना में शिकंजा कसा है, जिसमें अपराध कम हुए हैं और अभी जो सेक्स स्कैंडल पकड़ा है, 4-5 जगह छापे डाले हैं, उसके लिए पुलिस का बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है और गुना में एक पहली बार इस तरह का जी काम हुआ है जिससे पूरे समाज के अंदर हर्ष की लहर है कि समाज को एक आशा हो गई कि चलो पुलिस का एक अच्छा काम हो रहा है और हमारी माताएं बहनों को भी बहुत उसमें एक हिम्मत का काम आया है। तो उस इसलिए क्या है पुलिस अधीक्षक महोदय का और कैंट PIG का सम्मान विश्व हिंदू परिषद कर रही है। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाणी माँ शक्ति की बहनें भी सब सम्मान करना चाहती हैं कि जिससे पुलिस का मनोबल बढ़े। अखिल भारतीय नौजवान सभा ने आज जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इस ज्ञापन में अखिल भारतीय नौजवान सभा के द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को जिला प्रशासन के समक्ष रखा गया, जिसमें युवाओं को रोजगार एवं नशा, सूदखोरी आदि विषयों की ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। ज्ञापन देने के पूर्व अखिल भारतीय नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय हनुमान चौराहे पर नारेबाजी भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्याज से पैसा बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय नौजवान सभा द्वारा 6 सूत्रीय ज्ञापन पत्र जिलाधीश महोदय को दिया जाएगा, जिसमें शहर में जो आसपास की फैक्ट्रियां हैं उसमें 80% गुना के रोजगारों युवाओं की भर्ती की जाए, हमारी ये मांग है। नंबर दूसरी मांग, शहर में चल रहा है नशे का कारोबार संपूर्ण तरीके से बंद किया जाए, इससे युवा लोग बिगड़ रहे हैं। और साथ में तीसरे नंबर, शहर में चल रही सूदखोरी का काम पूरी तरीके से बंद किया जाए, जिससे कई युवा किसान बेरोजगार आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं पुणे पुणे दाम में ब्याज से पैसा लेकर। साथ में जिलाधीश महोदय को 6 सूत्री ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। पुरानी गल्ला मंडी निवासी बुजुर्ग तूफान सिंह आज अपनी पीड़ा को लेकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचा। यहां तूफान सिंह का कहना है कि पुरानी गल्ला मंडी में उसे पट्टा दिया गया है। जहां पर उसे पट्टा दिया गया है उस जमीन पर कुछ दबंगों की नजर है, जिसके चलते काफी लंबे समय से भी उसे परेशान कर रहे हैं। साथ ही तूफान सिंह ने यह भी बताया कि प्रशासन भी पूरी तरह से इन दबंगों का साथ दे रहा है जो उसे कई तरह से परेशान करते आ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए आज पीड़ित तूफान सिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। साथ ही यहां पहुंचकर उसने अपने ऊपर हो रही जातियों की कहानी पुलिस अधीक्षक के साथ साथ मीडिया के समक्ष भी रखी। अब मंडी में वो झुग्गी झोंपड़ी में पट्टो होगा वो, जब मंडी में पुरानी गल्ला मंडी के से लक्सर सरकारी जमीन का 84 में अर्जुन सिंह सरकार के टाइम पर, वहाँ एक बनिया की निगाह थी मुझे, मेरे 90 में 19,000 रुपये निकला है मेरे घर में ऐसे TICL के टाइम पर, और 91 में मेरे 17 साल को मोड़ा मरवा दो स्टेशन पर मार के धरो,
जो है ना बाकी लाश मिली और ना आवाराम लाश जल गई और ना ही दो शब्द पेपर में आए। 93 में जाने पांच दुकान बना दें साहब, मेरे घर टूर के मैं चम्मच बर्तन भाड़े ले गए उठवा ले जाने और हेडपम्प पूर के पटक दो तो रास्ता बंद कर दो तो मैं प्रधानमंत्री देवी गोला नु गाओ, मानव आयोग नु गाओ, सब में फिर के कहता नहीं तो मैंने आमरण अनशन करो तो दिग्विजय सिंह सरकार के टाइम पे मंडी बोर्ड ने और आलोक सिंह SDM ने मुझे खाली प्लाट कहाँ से हीट भी रास्ता दाओ तो मैं वहाँ से दे रहा हूँ। मैंने जो पेड़ लगाए प्याऊ की टंकी धर रही थी, अब जो कलेक्टर अब आए जिनने मेरी 16 में टंकी फरमाई सीमेंट की टंकी फरमाई 4 घंटा JCB चलवाई, वो बनिया के सारे बाके नाव की कोई रिपोर्ट नहीं लेकर कोतवाली में आजनो वो मुझे 30 साल से परेशान हो मैं ऐसी स्थिति में जाऊँ कहाँ। अब मुझे 7 तारीख जब फरवरी की है मेरे घर में घुस के मारो और राजू जैन ने खटीकन से पिटवाओ और मेरी मूड़ में डंडा दे दो, मेरे 11 टाँके आए और मुँह फेंग हरिजन एक लगवा दो बाकी बाई पीछे से रिपोर्ट कर भी जाके इनको। तो अभी आप SP साहब से मिले? SP साहब से मिलो सु मंडी करेगी SP साहब ने जा कही मैं बरसन से एडिशनल SP साहब के घर है ना भाँ ऑफिस में मिल चलवाता हूँ, मुँह पे इनके फूट गएंगे कोई सुनवाई ना भाई। आखिरकार बिन ने मुझे मारा, आप मर्डर केस होते अफसर मुँह वो ना लगाई धारा और मुँह हरिजन एक्ट में हुआ बुखार दम। एग्रोबिज एक्सपो 2018 यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वार्षिक किसान मेला जिसका आयोजन आज स्थानीय दशहरा मैदान में शुरू हुआ। 3 दिन चलने वाले इस किसान मेले का आज पहला दिन रहा जिसमें किसान तो नाम मात्र को भी नहीं दिखाई दिए। समस्या पर है कि जहां किसान नजर नहीं आ रहे थे उस मेले को कैसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वार्षिक किसान मेले का नाम दिया गया है। आइए नजर डालते हैं आज हुए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वार्षिक किसान मेले की कुछ झलकियों पर। मुरली अय्यर साहब जैन इरीगेशन की तरफ से हमारे आए हैं और जैन इरीगेशन के बिना इस आयोजन का तो संभव कर पाना है, तभी आप एक अच्छे बीज आगे बना पाएंगे और अच्छे बीज का चुनाव ही आपको अच्छा उत्पादन देता है। लेकिन कृषक बंधुओं एक अच्छा जो बीज है, अगर अच्छा बीज हुआ तो उसके साथ साथ उसकी एक अच्छी जल व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। अच्छी जल व्यवस्था की आवश्यकता हुई तो मुझे उस बीज को कैसे लगाना है, लगाने का जो तरीका है वो हमको बदलना होगा, हमें व्यवस्थित फसलों पे आना होगा, तभी हम जाकर के अपने इस खेती को लाभ का व्यवसाय बना पाएंगे। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए अच्छे बीज का चुनाव, अच्छे जल प्रबंधन की व्यवस्था, उसके बाद में जैविक और रासायनिक का समावेश जिसे हम बोलते हैं कि समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन, पानी अच्छा है, किसी के पास कुआं है किसी के पास ट्यूबवेल है, लेकिन किसान में एक भ्रांति जरूर दिमाग में रखना, एक भ्रांति गलत भ्रांति हटा लेना और अच्छी भ्रांतियों को अपने दिमाग में लाना, खाद का दाना उसकी जड़ों में पहुंचाएगा, ये काम उनको करना है। हमको उचित बाल पद्धति से खेती करनी है। हमारे पास 3 तरीके आए हैं कि आपका विश्वास और हमारा प्रोत्साहन। किसान भाई यही हम आपसे चाहते हैं कि आप लोग तकनीक को अपनाना शुरू करो। भाइयों जब भी आप बीज लें, बीज को जांच परख कर लें, बीज की जो है ये देखें कि क्या वो मेरे खेत के लिए अनुकूल है या मेरे एरिया के लिए अनुकूल नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर बैठी धरने पर। अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें मात्र 5,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है जिससे ना तो उनका घर का खर्च चल पाता है ना ही उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के साथ साथ खुद को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग भी प्रशासन से की है। Hey!
दिन भूख हड़ताल रहेगी। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है कि हम शासकीय किया जाए, शासकीय किया जाए, वेतन भले ही दे रहे हैं पर शासकीय किया जाए, और नहीं तो हमारी सैलरी 5,000 में तो कुछ आज की महंगाई में होता नहीं। 18,000 की मांग रखी है माननीय मोदी मंत्री जी से, 18,000 तो उतना नहीं होगा क्योंकि इतनी महंगाई है। 5,000 में कोई कार्यकर्ता ना अपना पेट बर्बादी ना बच्चों को पढ़ा लिखा सकती, दुनिया को सब अपन वो कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो खुद की बेटी अनपढ़ रहेगी तो कितना बुरा लगेगा। ये तो दीजिए तले अंधेरा वाली बात हो गई। सेवानिवृत्त कर्मचारी को आ रही है विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आज पेंशनर संघ के कार्यकर्ता विभिन्न अधिकारियों से मिले, साथ ही पेंशनर्स को आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण का आग्रह इन्होंने अधिकारी गणों से किया। ये लोग एक एक छानबे से पूर्व के सेवानिवृत्त पेंशनरों को बड़ी हुई पेंशन भुगतान के संबंध में ज्ञापन देंगे। आज हम सभी विभाग अध्यक्षों से मिल रहे हैं, सेवानिवृत्त जो खड़ा है उनके संबंध में निराकरण के संबंध में मिल रहा है। सभी अधिकारी कौन कौन से मिले परीक्षा मिले नहीं तो हम डीआईओ जिला पेंशन अधिकारी वन संरक्षक CMHO और जिला शिक्षा अधिकारी। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गुना इकाई की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। गौरतलब है कि उक्त स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके दौरान आज उन्होंने शासन प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन भी किया। उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, यहाँ पे गरीब मजदूर एवं किसान रहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं, नंबर 1 वेतन विसंगति, नंबर 2 जो संविदा ANM संविदा कर्मचारी हैं उन्हें नियमित करना। आज हम 7 तारीख से बैठे हुए हैं, तीसरा दिन है हमारा। आज हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, शासन प्रशासन के सद्बुद्धि आए, हमारी वेतन विसंगति है दूर किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग गुना द्वारा गर्भवती महिलाओं का परीक्षण एवं परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शासकीय एवं अशासकीय महिला चिकित्सक एवं विशेषज्ञों द्वारा गर्भवती महिलाओं के विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए गए। आज हुए इस परीक्षण सम्मेलन में आधा सैकड़ा से अधिक गर्भवती महिलाओं के ने अपने परीक्षण कराए। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हम लोग गर्भवती महिलाओं की जांच प्रत्येक 9 तारीख को करते हैं। इसमें जिले की समस्त प्राइवेट नर्सिंग होम की लेडी डॉक्टर्स के द्वारा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच करते हैं। आज हम लोग ने महिला दिवस के अंदर मतलब उपलक्ष्य में आज ये गर्भवती महिलाओं की जाँच शिविर भी रखा है, चूँकि ये महिलाओं से संबंधित समस्या भी है और हम लोग ने ये सोचा कि सिंपल महिला दिवस ना मनाते हुए एक कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। तो जो सुबह से हमारे करीब 60 गर्भवती महिलाएं आई थी, उनका जांचें वगैरह हो गई है, उनकी जांच पेशाब की जांच वगैरह कराकर जटिलताओं की पहचान। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 19वें दिन भी जारी रही। हड़ताल के दौरान आज संविदा कर्मियों ने सोशल मीडिया एवं ट्विटर के माध्यम से विभिन्न सम्मानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा से अवगत कराया, साथ ही बताया कि 3 वर्षों के संघर्ष के बाद भी प्रदेश सरकार उनकी मांगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम करेंगे, 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 हम
करेंगे। आज हड़ताल का 19वां दिन है और हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया है कि मामा जी से बराबर निवेदन भी किया उनकी जन्मदिन पे, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं है। और अब हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर सम्माननीय व्यक्ति को अपना मैसेज किया है कि संविदा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ, पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। और विगत 3 वर्षों से हम लगातार हड़ताल करके अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मामा जी ने बिल्कुल कान बंद कर दिया। बमोरी से सहरिया समुदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में हरिजन थाने पहुंचे एवं थाने का घेराव कर दिया। यहां पहुंचे सहरिया समुदाय के लोगों का कहना है कि बमोरी के एक शख्स द्वारा सहरिया समुदाय के लोगों को फसल की कटाई के लिए खेत पर ले जाया गया, लेकिन फसल की कटाई के अलावा इनसे अन्य काम भी करने को कहा गया। जब उन्होंने मना कर दिया तो इनके साथ मारपीट एवं गाली गलौज भी की गई, जिस पर से सहरिया समुदाय के लोग इकट्ठे होकर जिला मुख्यालय हरिजन थाने पहुंचे एवं उक्त युवक पर कार्रवाई की मांग भी की। हमारे सहरिया समाज के लोग मजदूरी करने गए थे धनाबाद में। कहाँ पे? बमोरी कमल करार के, वहाँ पे ये मैं धना काटने ले गए लोग, तो वो कह रहे ना धना काटने ले गया कमल सिंह करार, कमल सिंह करार, फिर वो धना काटने की बजाय जो कहने लगा कि थ्रेसर पे काम करो अन्यथा, और अथवा नहीं तो जो धना खेत में है ना उसको इकट्ठी करो। तो एक बच्चे ने कहा गए कि हम तो ये काम नहीं करेंगे, वो अगर वो काम करवाएंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो उतनी कह के वो कहने लगा कि नहीं वो तुम्हें सब करवाऊंगा, जबरदस्ती कहने लगा। तो बच्चे ने काम तो नहीं करेंगे कम पैसों में, जो काम काटने लाया था कटवा ले धना ग्रेसल पे और अथवा इकट्ठी नहीं करेंगे धना, इतनी बच्चे ने कहा तो उसकी मारपीट की, औरतों को गाली गलौज की, धक्का मक्का दिए औरतों में, 50 लेडीज और बच्चे थे उसकी गिरबान से झूंगा यहाँ पे गले में, औरतें नहीं थी, औरतें होती ही नहीं होती तो उसको मार देता है। अच्छा हाँ। तो करीबन कितने लोग गए थे आप? ये 50 उसके मजदूरी करने गए थे, कम से कम 30-40-50 साल ऐसे कटाई लड़ाई जा रही है। कौन? कमल। किस बात को लेके लड़ाई हुई आप? काटने के पीछे। क्या काट रहे थे? धनिया। क्या बोल रहे थे आप? तुम्हें वो बोल रहे थे कि ढो के काटने के, मैंने बोला कि काटने के 300 रुपये लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि भग जाओ सबरे को साहब, इतने में वो गाली देने लगे, गाली देने के बाद में मेरी गिरबिटी से घूम गए साहब, वो कहीं से गाली देते हैं। तुम्हें मारा पीटा? मारा पीटा वो जहाँ पे वो गलत आवाज। चाचौड़ा में हुआ खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन। आज हुए इस अंत्योदय मेले में 218 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया, जिन्हें लगभग 41 लाख रुपए की राशि यहां वितरित की गई। आज संपन्न हुए इस अंत्योदय मेले का शुभारंभ दिए गए समय से लगभग 2 घंटे बाद हुआ, जिससे यहां पहुंचे हितग्राहियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आज हुए इस अंत्योदय मेले में प्रशासन द्वारा विद्युत चोरी कर मेले में विद्युत की व्यवस्था की गई थी, जिसे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज सबको दोनों हाथ जोड़कर मैं इस बात के लिए प्रणाम करना चाहती हूँ और हमारे किसान भाइयों को, हमारे यहाँ ग्रामीण लोगों में इस बात के लिए प्रणाम करना चाहती हूँ कि एक एक क्षण बारिश की वजह से हो रहा कि कल रात्रि में, कल दोपहर में और कल शाम के समय। वहीं जब पंचायत सीईओ से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान जिले के अधिकारियों सहित कई नेतागण मंचासीन रहे। सर वहाँ पे जो कार्यक्रम संचालन हो रहा था उसकी बिजली डायरेक्ट जलाई जा रही थी खंभे से सीधे तार लगा के? नहीं उसका मुझे आइडिया नहीं है।
हमारे पास वहाँ मौके के फुटेज हैं। कहीं आपने विद्युत मंडल से अवगत या कोई परमिशन ली थी क्या इसकी? उसका मुझे आईडिया नहीं। वहीं मेले में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी पंखे कूलर की व्यवस्था नहीं थी, जिससे हितग्राही को ही नहीं बल्कि मंच पर उपस्थित जनों को भी गर्मी का सामना करना पड़ा। यहां मंच पर विराजमान नेता और अधिकारी भी गर्मी से परेशान होकर हितग्राहियों द्वारा दिए गए आवेदनों से अपनी गर्मी मिटाते हुए देखे गए। साथ ही इतनी व्यवस्था होने के बाद भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारों को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था भी नहीं की गई। इसके साथ ही महिला हितग्राही राशन कार्ड को लेकर फूड अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो फूड अधिकारी महिला हितग्राही के ऊपर चिल्लाते हुए और बड़े अधिकारियों से अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आए। वहीं जब जिलाधीश राजेश जैन से डीजेएन न्यूज के संवाददाता शिवम नामदेव ने सरकार की साइकिल वितरण योजना के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि साइकिल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो आज यहां कई हितग्राहियों को साइकिल भी नहीं मिली, जिससे वो नाराज नजर आए। अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया है, यहां पर बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है। जांचोड़ा विकास खंड में पिछले एक साल में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 91,61,00,000 रुपए का लाभ हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदाय किया जा चुका है। अभी नए सिरे से काफी बड़ी 2,000 से अधिक कुटीर यहाँ पे स्वीकृति के लिए आई है, उन सबको कुटीर मिलेंगी 1,50,000 रुपए प्रति आवास के मान से। शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में कुटीर आई है। भावांतर योजना में भी लगभग 64 करोड़ रुपए का लाभ जिले में अभी तक मिल चुका है और 18 करोड़ का लाभ मिलना शेष है। पिछले बार जिन लोगों ने गेहूं खरीदा था उन लोगों को 200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बोनस दिया जाएगा और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूँ का समर्थन मूल्य 2,000 रुपए प्रति क्विंटल किया, तो बड़ी राशि किसानों को इसके तहत मिलने वाली है। अभी भावांतर के तहत हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं गेहूं, चना, सरसों, मसूर और प्याज के, और उसके तहत बड़ी लगभग 50,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं, उसकी अंतिम तिथि भी बढ़ चुकी है। किसानों से मेरा अनुरोध है कि भावांतर योजना में अधिक से अधिक अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। सर, देखने में आया है कि दिव्यांगों की सूचियों में नाम ज़्यादा है और प्रेजेंट में जो है वो साइकिलें कम है। नहीं, साइकिलों की कोई कमी नहीं है। देखिए, साइकिल 3 साल में देने का प्रावधान है और बल्कि अब हमें भी कर रहे हैं कि अगले बार से स्वीकृति आ जाती है, मोटराइज साइकिल उपलब्ध करवाएंगे। साइकिलों की कोई कमी नहीं है। जिन दिव्यांगों को 3 साल पहले मिली है दोबारा साइकिल दिलवा दी जाएगी, बिल्कुल कमी नहीं है। अब आप तो नाम लिखवा दें, हम कल ही भिजवा देंगे साइकिल। सर, दूसरा, पंजीयन केंद्रों में कभी नेट प्रॉब्लम आता है, कभी लिंक बंदी होती है? देखिए, बदी बढ़ा के 28 तारीख की, बढ़ा के 12 तारीख कर दी और फिर बढ़ा के अभी और तारीख 24 कर दी है तारीख, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट की प्रॉब्लम आ सकती है मौसम की वजह से, हवा की वजह से, लेकिन कोई कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डेट बढ़ा के 24 कर दिए। तो आपको गांव से किसने बुलाया था यहाँ पे? सेक्रेटरी नाम क्या बताया था? सेक्रेटरी ने कि साइकिल मिलेगी, अंतर्द मेला में आ जाइए और उद्योग विभाग से गुना की फिर निधि बन्नू की 5 राम ने दर्ज कराऊंगे ये पास प्रधानमंत्री। तो आप यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं साइकिल के लिए? साइकिल के लिए सुबह से क्या 9 बजे। तो आपको खाना वाना कुछ मिला कि नहीं? नहीं बताया। वहीं सुबह से भूखे प्यासे बैठे हितग्राही को भोजन की व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसके कारण कई हितग्राही काफी परेशान नजर आए। मेले में आया अंत्योदय मेले में हितग्राहियों को भोजन की व्यवस्था नहीं की गई थी? भोजन की व्यवस्था किसी भी अन्य ब्लॉक में नहीं की गई थी, इस कारण से यहाँ भी भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है। चांदौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। डीजीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।